अपराधी हो जाएं सावधान, क्योंकि भागलपुर में अब अपराधियों की खैर नहीं। भागलपुर के बढ़ते क्राइम कंट्रोल करने के लिए भागलपुर डीएसपी डॉक्टर गौरव कुमार ने जिले के कई थानाध्यक्षों के साथ संयुक्त बैठक की। दरअसल भागलपुर के सुल्तानगंज थाना परिसर में डीएसपी डॉक्टर कुमार गौरव ने कई थानों के साथ थाना प्रभारी को लेकर क्राइम कंट्रोल के मामले को बढ़ता देख संयुक्त बैठक की। बैठक के दौरान डीएसपी ने क्राइम कंट्रोल को लेकर सभी थानों के प्रभारी को आवश्यक निर्देश दिए। क्राइम मीटिंग था तो ऐसे क्राइम मीटिंग जो है हमारे ऑफिस में होता है कार्यालय डीएसपी कार्यालय में, लेकिन आज यह सुल्तानगंज थाना परिसर में ये क्राइम मीटिंग किया गया है। और इसी तरीके से हम लोग डिफरेंट डिफरेंट जो थाना है हमारे अनुमंडल के वहाँ से क्राइम मीटिंग किया जाएगा। और तो इसमें आज जो क्राइम मीटिंग हुआ है उसमें मुख्यतः जो चीज़ों के ऊपर आज जो मीटिंग हुआ है वो कांड के निष्पादन के ऊपर है कि केस डिस्पोजल के जितना प्रतिवेदित है कितना डिस्पोजल है, और देखा गया है कि जो डिस्पोजल है वो प्रतिवेदित से ज़्यादा है, और कुछ जो गंभीर हेड में है जो कि दिशा निर्देश है मुख्यालय का, गंभीर हेड में केसेस में गिरफ्तारी की समीक्षा की गई है। और जो अभी गश्ती पंजी के बारे में जो चर्चा है, अभी गश्ती पंजी और गश्ती रूट चार्ट उसके बारे में भी, वो प्रभावी ढंग से कैसे गश्ती जो है वो काम करे उसके ऊपर भी चर्चा हुई है। और मद निषेध के कांड जो राजसात और गश्तीकरण के ऊपर भी चर्चा हुई है, और अवैध जो बालू खनन है उसके ऊपर भी चर्चा हुई है कि किस तरीके से हम लोग इसको कंट्रोल करेंगे और विधिवत इसके ऊपर कार्रवाई की जा रही है। भूमि विवाद को भी लेके हम लोग इस पर चर्चा किए हैं कि थाना स्तर से किस तरीके से इसका निपटारा किया जाए, और जो भी थाना स्तर से निपटारा नहीं हो वो अनुमंडल स्तर पर जाए और उसके बाद वो वरीय के ऊपर जाए। तो कुछ कुछ ऐसे भूमि विवाद जो कि प्रमुख हैं थाना क्षेत्र में, थानेदारों को बोला गया है कि और सर्कल इंस्पेक्टर को बोला गया है कि वो वरीयों को सूचित करें जो भूमि विवाद जो महत्वपूर्ण है और जो विधि व्यवस्था का जो आगे जाके प्रॉब्लम कर सकते हैं। तो मद निषेध में जो वांछित अभियुक्त हैं उनके ऊपर भी नज़र रखने, फोकस करने, उसे गिरफ्तारी करने के लिए दिशा निर्देश दिया गया है। तो आज जो है ये सब चीज़ों के ऊपर आज जो क्राइम मीटिंग सर, श्रावणी मेला से जुड़े थानेदार को क्या मेला संबंधित देखिए, अभी मेला संबंधित पर्टिकुलरली आज जो है वो जो था ये क्राइम मीटिंग सारे थाने जो 11 थाने हैं यहाँ पे अनुमंडल में उसके ऊपर केस के निपटारे के ऊपर, गंभीर हेड के ऊपर, गश्ती के ऊपर, भूमि विवाद के ऊपर, अवैध बालू खनन के ऊपर, ये सब चीज़ों के ऊपर फोकस किया गया है। श्रावणी मेला के ऊपर एक हम लोग मीटिंग करेंगे शीघ्र अतिशीघ्र। जो भी यहाँ पे श्रावणी मेला से संबंधित थाने हैं जैसे कि सुल्तानगंज है, बात है, अकबरनगर है, शाकुंड, तो इन सारे जो थाने हैं इस अंचल के, सुल्तानगंज अंचल को, इसको हम लोग एक और मीटिंग किया जाएगा और उसमें जो प्रमुख जो चीज़ है जो हम लोग फोकस करेंगे पुलिस प्रशासन, वो जो ट्रैफिक व्यवस्था है और रूट डाइवर्जन है, पार्किंग है, इन सब चीज़ के ऊपर जो है फोकस करेगी पुलिस प्रशासन। और उसके साथ साथ सीसीटीवी कैमरा भी जो है अभी पूरे सुल्तानगंज में युक्त हो गया सीसीटीवी कैमरा, हमारे सिविल प्रशासन जो है इस अभियान में जुड़े हुए हैं। तो दरअसल भागलपुर के सुल्तानगंज थाना परिसर में डीएसपी गौरव कुमार ने कई थाना प्रभारी के साथ क्राइम कंट्रोल को लेकर संयुक्त बैठक की। बैठक के दौरान डीएसपी डॉक्टर गौरव कुमार ने क्राइम कंट्रोल को लेकर थाना प्रभारी को आवश्यक निर्देश दिए। भूमि विवाद निपटारा, फरार चल रहे अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए आवश्यक निर्देश दिए, साथ ही अवैध बालू खनन पर रोक लगाने का भी निर्देश दिया। निर्देश देते हुए उन्होंने कहा कि श्रावणी मेला में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर की भी चर्चा किया। इस दौरान डीएसपी गौरव कुमार ने मीडिया को बताया, क्राइम कंट्रोल को लेकर क्षेत्र के सभी थाना अध्यक्षों के साथ संयुक्त बैठक की। बैठक में भूमि विवाद का निपटारा, फरार चल रहे अभियुक्तों की गिरफ्तारी, अवैध बालू खनन पर रोक लगाने के लिए क्षेत्र के सभी थाना अध्यक्षों को निर्देश दिए। साथ ही श्रावणी मेला की तैयारी को लेकर बाहर से आने वाले कांवड़ियों की सुरक्षा व्यवस्था के लिए सीसीटीवी कैमरा लगाने, घाट और जगह जगह पुलिस बल की तैनाती को लेकर तैयारी की जा रही है, जिससे किसी भी भक्तों को परेशानी ना हो। कांवड़ियों की सुरक्षा के लिए कांवड़िया क्षेत्र में सभी थानों के बैठक की जाने की भी बात कही। इस दौरान सर्किल इंस्पेक्टर रतनलाल ठाकुर, सुल्तानगंज थाना अध्यक्ष लाल बहादुर, बाद थाना अध्यक्ष मनीष कुमार, अकबर नगर थाना अध्यक्ष मनोज मेहता, शाहपुर थाना अध्यक्ष सजौर, थाना अध्यक्ष जगदीशपुर, थाना अध्यक्ष